राम राम भाई सभी को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में अमित ड्राई डेंटिंग। दोस्तों गाड़ी है ये निसान मैग्नाइट गाड़ी है, इसमें डेंट पड़ गया ऊपर लैन के पास, डेंट आपको दिख रहा होगा, थोड़े पड़ गया स्क्रैच। दोस्तों लैन ख़राब हो गई है, बाकी डेंट ये पड़ गया, यहाँ भी लग गया स्क्रैच, डेंट निकल जाएगा बढ़िया, थोड़ा स्क्रैच भी गायब हो जाएगा इसका। बाकी दोस्तों ये गाड़ी पीछे से लग गई है, गाड़ी वाले ने मार दी यहाँ पे, ये क्या बन गया बम्पर में, बम्पर थोड़ा बैंड हो गया, बम्पर के नक्के भी टूट गए, बम्पर खोलना पड़ेगा, ये खोल के बम्पर के नक्के वेल्डिंग करेंगे इसके। बाकी दोस्तों डेंट निकाल देंगे बढ़िया, ये दोनों डेंट गायब कर देंगे, डेंट का पता नहीं पड़ेगा डेंट कहाँ पे था। दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है इसमें कोने वाले डेंट में, इसको बाहर से जितना होगा उतना कर देंगे मैक्सिमम, बाकी ये अंदर से नहीं हो पाएगा क्योंकि जगह बंद है इसमें, सुराख करने के लिए मना कर रहे हैं भाई साहब गाड़ी वाले। बाकी जो डेंट है ये वाला, ये लैंड के पास दोस्तों, इसको ये डेंट निकल जाएगा आसानी से, जगह है इसमें, सपोर्ट आई हुई है, सपोर्ट को खोल लेंगे बाद में, सपोर्ट खोल के गाड़ी में स्पेस मिल जाएगा डेंट निकालने के लिए, इसका ड्राई डेंट निकाल देंगे बिना पेंट ख़राब करें। दोस्तों बाकी बम्पर खुल रहा है गाड़ी का, बम्पर खोल के बम्पर के नक्के वेल्डिंग करेंगे, जो नक्के टूट गए इसके दोनों साइड से। दोस्तों गाड़ी पीछे से लग गई है, देखते हैं गाड़ी पीछे से कितनी लगी हुई है। बम्पर लगने के बाद बम्पर की सेटिंग भी आउट हो गई है, बम्पर साइड से बाहर निकल गया इसका। जरा सी लगी हुई है, ये बैंड हो गया है पीछे वाले हिस्सा जहाँ पे बोल्ट लगता है, ये सर इसका बैंड हो गया है, शुक्र है गाड़ी ज़्यादा नहीं लगी। दोस्तों बढ़िया कर देंगे इसको, बाकी डेंट निकाल रहे हैं अमित भाई। दोस्तों ये मैग्नाइट का जी निकाल दिया है, जी को हटा दिया है ताकि डेंट निकालने में आसानी हो, इसीलिए इसको हटा दिया है यहाँ से, बाद में लगा देंगे डेंट निकालने के बाद। दोस्तों वीडियो देखते रहना पूरी, डेंट कैसे निकलेगा, कैसे लाइन बनेगी इसकी शेप की। दोस्तों कोई भी गाड़ी हो आपकी छोटी बड़ी, सबका ड्राई डेंट बहुत बढ़िया निकालते हैं अमित भाई। अगर आपको अपनी गाड़ी पे पेंट कराना हो, पेंट का काम भी करते हैं। दोस्तों ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, आपकी गाड़ी में कैसा भी डेंट हो, कोई सी भी गाड़ी हो आपकी, काम हो जाएगा आपका जेन्युइन बिल्कुल रिजनेबल रेट में। दोस्तों काम की तारीफ करोगे, एक बार काम करा कर देखोगे तो। दोस्तों एक हाथ मार दिया गाड़ी पे डेंट पे, बाकी थोड़ा बहुत डेंट रह गया अभी, अभी इस पर दोबारा हाथ मारेंगे, डेंट को बढ़िया निकाल देंगे। दोस्तों वीडियो देखते रहना, दोस्तों अगर आपको काम पसंद आए तो ये वीडियो शेयर करें मैक्सिमम, जो भी आपको जानने वाले हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके जानने वाले जिन पर गाड़ी है जिन पर गाड़ी नहीं भी है उनको ठीक है वीडियो शेयर करें, उनको दिखाए कि ड्राई डेंट कैसे निकलता है बिना पेंट ख़राब करे। दोस्तों ये भी बिल्कुल नई गाड़ी है, अगर इसको कंपनी दे देते तो कंपनी में डिग्गी चेंज कर देते थोड़ी और मार के, अगर दोस्तों उसको बाहर पेंट कराते तो डिग्गी पूरी पेंट करनी पड़ती। ये अमित भाई बिना पेंट ख़राब करे डेंट निकाल रहे हैं इसका। दोस्तों डेंट देखो लैन बना दी है इसकी, बाकी थोड़ा बहुत काम हो रहा है इसमें। दोस्तों वीडियो देखते रहना तभी आपको पता पड़ेगा डेंट कैसे निकलेगा इसका, मैग्नाइट गाड़ी का। दोस्तों कोने वाले डेंट के लिए जगह बंद है इसमें, जगह आपने देख ली पहले, जितना बाहर से मैक्सिमम ठीक होगा उतना बाहर से ठीक कर देंगे इसको। दोस्तों वीडियो देखते रहना,
डेंट का पता नहीं पड़ेगा डेंट कहाँ पे था इसमें। बाकी 2-3 दिन पहले एक गाड़ी का वो डेंट निकाला था मैग्नाइट का, उसका गेट लगा हुआ था। तो डेंट निकल गया है, देखो बिल्कुल बढ़िया शेप बना दी है, बस थोड़ा सा स्क्रैच का निशान है वो दिख रहा है, हल्का सा डेंट और रह गया है, उस पर निशान लगा रहे हैं अमित भाई, क्योंकि दोस्तों डेंट जगह तो है गाड़ी में, स्पेस तो है डेंट निकालने के लिए, पर थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए डेंट निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी डेंट निकाल देंगे बढ़िया, गाड़ी की जो डेंट की जो डेंट की जो लाइन थी गाड़ी की शेप थी वो बना दी है प्रॉपर। दोस्तों डेंट निकल गया इसका, बाकी अमित भाई नीचे वाला डेंट निकाल रहे हैं अब। दोस्तों इस पर भी थोड़ी स्क्रैच पड़ गई है, थोड़ी रबिंग कर देंगे बाद में इसमें, डेंट निकालने के बाद जितना हटेगा हट जाएगा, बाकी मैक्सिमम तो सफा हो जाएगा, हल्का फुल्का दिखाई देगा बस लगा हुआ स्क्रैच, बाकी डेंट निकल जाएगा बहुत बढ़िया। दोस्तों इस डिग्गी पर 3 डेंट पड़े हुए हैं, एक ऊपर एक बीच में और एक कोने पे। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, डेंट निकलने के बाद आप डेंट का पता नहीं पाओगे डेंट कहाँ पे था। दोस्तों थोड़ा सा डेंट रह गया इसका, ये आगे वाला हो गया है, पीछे वाला रह गया है। इस डेंट को भी निकाल लेंगे बढ़िया करके, डेंट आपको दिखाई नहीं देगा डेंट कहाँ पे पड़ा हुआ था इसमें डिग्गी में। दोस्तों कुछ डेंट होते हैं जो पेंट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी साफ दिखे, एक निशान भी ना आए पीस पे। तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी को पेंट भी करा सकते हो, अमित भाई पेंट का काम भी करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का काम आपका बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, पेंट ख़राब नहीं होगा आपकी गाड़ी का, पेंट की पूरी गारंटी। दोस्तों डेंटिंग पेंटिंग ड्राई डेंटिंग जो भी आपको कराना हो अपनी गाड़ी में, सारा काम अपने पास अवेलेबल है। कुछ लोग होते हैं जो ड्राई डेंट काम करा के गाड़ी को चला लेते हैं, कुछ होते हैं जो जिनको एक दाग भी पसंद नहीं होता गाड़ी में, स्क्रैच की तो दूर की बात है। बाकी दोस्तों ड्राई डेंट का बहुत बढ़िया काम है, सस्ते में गाड़ी की जर्मलिटी बनी रहती है। दोस्तों डेंट देखो, डेंट निकल गया पूरी तरह, डेंट का पता नहीं पड़ रहा डेंट कहाँ पे था, बस हल्की सी जो स्क्रैच पड़ी हुई थी वो दिख रही है, यहाँ पे रबिंग कर दी है, हल्की सी दिख रही है स्क्रैच, बाकी डेंट पूरा प्रॉपर निकल गया। दोस्तों डेंट का आपको दिख रहा होगा, डेंट का बिल्कुल भी डेंट का पता नहीं पड़ रहा डेंट कहाँ पर पड़ा हुआ था इसमें, ऊपर वाले भी डेंट बढ़िया हो गया है, लाइन बिल्कुल प्रॉपर बन गई है। दोस्तों यहाँ का डेंट भी निकाल दिया है, बाहर से निकाल दिया, बाहर बाहर से जितना हुआ उतना कर दिया, मैक्सिमम तो डेंट निकल ही गया इसका भी। बाकी गाड़ी की सेटिंग देखो आप, गैप बिल्कुल प्रॉपर आ गया इसका कंपनी वाला,
जो साइड से बम्पर के नक्के टूट गए थे, बम्पर के नक्के वेल्डिंग कर दिए, यहाँ का गैप भी बिल्कुल बढ़िया आ गया है दोस्तों। काम हो गया जेन्युइन, कंपनी वाला काम हो गया बिल्कुल। डेंट का बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा डेंट कहाँ पर पड़ा हुआ था इसमें। दोस्तों वीडियो लाइक कर देना जिसने वीडियो लाइक नहीं की अभी तक, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर करें जितनी आप शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में अपने जानने वालों को। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।